Asas kunigų dunijas andar. सोनावारी के लोगों ने शहीद के मुतई जो खराज अकीदत के लिए शहीद की याद को ताज़ा किया जाए और नस्ल जदीद तक हर नस्ल तक हर दौर की नस्ल तक उनकी शख्सियत और उनकी शख्सियत की इसार को पहुँचाया जाए। इसके लिए मैं इलाके के मोमिनी का शुक्रगुजार हूँ। इसी सिलसिले में यहाँ पे आया है। ऐसी शख्सियात जो कौम के लिए खुद को कुर्बान करती है और अपनी ज़िंदगी कौम के लिए सर्व करते हैं, उनकी याद को ताज़ा रखना एहसान अलजाउल एहसान में एहसान के कानून के तहत जो कुरान का हुक्म है और जो कुरान का इखलाक है, नीति का बदला नीति से ही हो सकता है, नीति का बदला सिर्फ नीति है। इसी तरह से कोशिश की जा सकती है कि उनकी नीति का बदला दिया जा सके, उनकी याद को ताज़ा रख के उनके लिए उनके पैगाम को उनकी शख्सियत को हर दौर की नस्ल तक पहुँचाया जाए। तो उसी नीति का जो जवाब ये इलाका दे रहा है उसी का सिलसिला है और उसी सिलसिले में जैसे कि अकलमंदी हर दौर में आप बहुत कम देखते हैं। ऐसी शख्सियत होती है जो मुनफरिद होती है, उनकी जरूरतमंदी उनकी ज़मीन की बेदारी के लिए मुनफरिद होती है और इस तरह के लोग बहुत कम पाए जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि आलम इस्लाम में जिस सतह पर आपने बात की, आलम इस्लाम में भी ज़मीर और जुरतमंदी की कमी है और उसी का फुकदान जो है, उसी के फुकदान के नतीजे में इस तरह की मुश्किलात आलम इस्लाम को उठाना पड़ता है, मुसलमानों को उठाना पड़ता है। तो जिसकी सबसे बड़ी मिसाल फ़लस्तीन है। फ़लस्तीन के हवाले से मुसलमानों की जो गैरत है वो दिखती नहीं है। कम कुछ ममालिक है, कम कुछ रहनुमा है जो जरूरतमंदी से गैरत से इस हवाले से इकदाम भी करते हैं, बात भी करते हैं। तो आलमी सतह पे भी देखें, कुछ ममालिक को छोड़ के अक्सर मुसलमान सियासतदान हो, लीडर हो, मुल्की सरबराह हो, उनकी जुरत कहीं पे उनका ज़मीर कहीं पे दिखाई नहीं दे। उन्होंने अपनी जुरत को गिरवी रखा है मगरिब की ताकतों के सामने। और वही मिसाल आप कश्मीर में भी देखते हैं। अगर यहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से बहुत कम बात होती है, ये गैरत का फुकदान है, ये जुरत का फुकदान है। क्योंकि इन शख्सियात में जो जिनका हवाला आपने दिया, जो अक्सर खामोश है, या पहले जुमे को शायद कुछ लोगों ने फ़लस्तीन के हवाले से बात की थी, फिर दूसरे दिन इंतज़ामिया ने जब उनको डराया तो उस डर के नीचे वो खामोश हो गए। तो ये खामोश होना या तो खौफ के नतीजे में खामोश होना या लालच के नतीजे में खामोश होना उनकी उनके ज़मीर के मुर्दा होने की अलामत है, उनके गैरत के ना होने की अलामत है। और यही फुकदान है कश्मीर में, जिसका मुश्किल हमें जिसका नतीजा हमें कश्मीर में भी मिलता है। और रात में जैसे कि आपने सवाल किया, जैसे कि आपने सवाल पूछा, शहीद आगा सिंह मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की तरह की शख्सियत मुनफरिद होती है। कम ही शख्सियत, चंद ही शख्सियत आप देखेंगे कश्मीर में भी और इसी तरह आलमी सतह पर भी, जो इस तरह के जुर्रत के हवाले से, गैरत के हवाले से, ज़मीर के हवाले से, बेदारी के हवाले से मुनफरिद होते हैं। और अगर ये कौम में इस तरह की शख्सियत हो तो उन्हीं से उम्मीद है वापस। बहुत बहुत शुक्रिया।